हम सम 15 हर्ष एंड येशा सॉल्व कर रहे हैं। ट्रेडिंग अकाउंट ड्रॉ करें 8 to 10 लाइंस। नेक्स्ट पेज पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एएसएफओ एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस 6 लाइन, सेलिंग एक्सपेंसेस 5 लाइन, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस 3 लाइन्स, रेस्ट अदर एक्सपेंसेस एंड लॉसेस 1 लाइन छोड़ के अदर इनकम्स। प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन छोटा ही है, 5-6 लाइन्स का बनाए तो भी चलेगा। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिर बैलेंस शीट, इसमें नॉन करंट एसेट्स में 12 लाइन्स छोड़ना, थोड़ा बड़ा है, ज्यादा आइटम्स हैं। कैपिटल 6 लाइन्स, नॉन करंट लाइबिलिटीज 5 लाइन्स एंड करंट लाइबिलिटीज। हम ट्रायल बैलेंस एज वन इफेक्ट सेम साइड से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमें कैपिटल्स दे रखे हैं। 11th स्टैंडर्ड में ही हम बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड लिखते थे, 12th स्टैंडर्ड में इसे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे। बाय बैलेंस भी नहीं, 35,000 एंड 15,000। क्योंकि स्टेटमेंट फॉर्म में ट्रायल बैलेंस है तो हम डेबिट साइड भी खत्म करते आते हैं। डेबिट बैलेंस में ड्रॉइंग्स दे रखा है, तो वैसे कैपिटल में से माइनस होता था 11th स्टैंडर्ड में। 12th स्टैंडर्ड में से हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखते हैं टू ड्रॉइंग्स 5,000 एंड 2,500। फिर हमें दे रखा है गुडविल। गुडविल पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, गुडविल हमारा एक नॉन करंट एसेट है, तो नॉन करंट एसेट्स गुडविल 5,000। फिर पेटेंट एंड ट्रेडमार्क। अब पेटेंट एंड ट्रेडमार्क पे एडजस्टमेंट नंबर 5 है, तो इसीलिए हम लोग पेटेंट 2,700 अंदर लिखेंगे नॉन करंट एसेट्स। फिर हमें दे रखा है रिसीवेबल्स एंड पेएबल्स, तो ये हमारे डेटर्स हैं और 25,000 हमारे क्रेडिटर्स हैं। तो 25,000 हमारी करंट लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी में लिखेंगे पेएबल्स, और डेटर्स 31,000 है वो हमारे करंट एसेट्स हैं। तो बैलेंस शीट में करंट एसेट्स में हम लिखेंगे डेटर्स, अंदर लिखेंगे क्योंकि एडजस्टमेंट है 31,000। फिर अकाउंट्स ऑफ गुड्स, तो ये है परचेज और ये है सेल्स, दोनों ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं। सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड आता है, बाय सेल्स अंदर लिखना क्योंकि हो सकता है सेल्स रिटर्न हो। वैसे ही परचेसेस 40,000, ये ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड आता है, एक लाइन छोड़ देना ओपनिंग स्टॉक के लिए, अंदर लिखें। नेक्स्ट है मशीन। अब मशीन हमारा नॉन करंट एसेट है, मशीन पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, बाहर लिख सकते हैं। पेटेंट के बाद एक लाइन छोड़ देना, मशीन 15,000। फिर हमें दे रखा है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड, फर्स्ट फर्स्ट लाइन टू ओपनिंग स्टॉक 6,000। अब हमें दे रखा है फर्नीचर। अब इस समय फर्नीचर पे अच्छी पॉइंट है, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर ट्रायल बैलेंस में भी दे रखा है और डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एडजस्टमेंट में भी है, राइट? डू यू रिमेम्बर दिस? हमने पहले भी ऐसा सम करा हुआ है। तो उस केस में ये जो ट्रायल बैलेंस वाला डेप्रिसिएशन है ये इसमें ऐड हो जाता है। ओके, तो फर्नीचर आप नॉन करंट एसेट्स में लिखें, राइट? और जब हम डेप्रिसिएशन वाली पॉइंट पे आएंगे ट्रायल बैलेंस वाली पे, अभी मत करो क्योंकि नहीं तो क्या होता है बच्चे एग्जामिनेशन टेंशन में ये सिर्फ दो आइटम भूल जाते हैं। जब भी हम डेप्रिसिएशन वाली पॉइंट पे पहुंचेंगे तब ये डेप्रिसिएशन हम फर्नीचर में प्लस कर देंगे, करेक्ट? याद रहे, क्योंकि एडजस्टमेंट में भी है। अभी फर्नीचर के बाद गुड्स रिटर्न, तो 7,500 जो है ना वो सेल्स रिटर्न है, और सेल्स रिटर्न क्या होता है? सेल्स में से माइनस, तो माइनस करेंगे सेल्स रिटर्न 7,500, आउटर कॉलम में लिखेंगे 81,750। वैसे ही 5,000 ये परचेज रिटर्न है, परचेज के ऑपोजिट होता है परचेज रिटर्न, 5,000, तो परचेज में से माइनस 5,000, आउटर कॉलम में 35,000। अब वेजेस, वेजेस आता है ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड, टू वेजेस एडजस्टमेंट नहीं है, सीधा बाहर लिख रहे हैं। अब आ रहा है डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। अब याद रहे क्योंकि एडजस्टमेंट में भी है डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, इसीलिए ये वाला जो डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर है ये हम फर्नीचर में प्लस करेंगे। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर जो ट्रायल बैलेंस में दे रखा है, और 3,300 लिख देंगे अंदर। नेक्स्ट, स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग। नाउ स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग,
इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, टू स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग 1550, फिर बिल्डिंग दे रखा है और बिल्डिंग में एडजस्टमेंट नंबर 2 है, तो इसीलिए बिल्डिंग हम अंदर लिखेंगे। बिल्डिंग की वैल्यू दे रखी है 46,000, फर्नीचर में एक दो लाइन छोड़ देना, बिल्डिंग 46,000। फिर लीगल चार्जेस, अब लीगल चार्जेस पर ही एडजस्टमेंट है वो, राइट, एडजस्टमेंट नंबर 2 आप देख सकते हैं, तो लीगल चार्जेस भी हम लोग अंदर लिखेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस में लीगल चार्जेस 6,500, कैश बैलेंस हमारे लिए करंट एसेट है, डेटर के बाद वैसे 4-5 लाइन छोड़ देने की, पर इसमें BDBD ज़्यादा नहीं है, करंट एसेट्स में लिखा। रेलवे फ्रेट आता है ट्रेडिंग अकाउंट में, तो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड टू रेलवे फ्रेट 600, इंश्योरेंस प्रीमियम 1150, इंश्योरेंस प्रीमियम आता है एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस में लीगल एक्सपेंस के बाद एक लाइन छोड़ देना, इंश्योरेंस प्रीमियम 1150, एडजस्टमेंट नहीं है, सीधा बाहर लिख सकते हैं। बिल्स, अब ये है बिल्स रिसीवेबल, करेक्ट, और ये है बिल्स पेएबल। तो बिल्स रिसीवेबल जो है वो करंट एसेट्स है और बिल्स पेएबल जो है वो करंट लायबिलिटी है, तो बिल्स पेएबल करंट लायबिलिटी में लिखा और बिल्स रिसीवेबल करंट एसेट्स में लिखा। नेक्स्ट, पोस्टेज एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस हैं, तो टू पोस्टेज एक्सपेंसेस एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस के नीचे लिख दिया 2,000। फिर बैड डेट्स एंड बैड डेट्स रिजर्व, तो बैड डेट्स ओल्ड है और BDR ओल्ड है, राइट, और हमें BDR न्यू भी है, तो फॉर्मेट होता था, याद है, बैड डेट्स ओल्ड प्लस बैड डेट्स न्यू प्लस BDR न्यू माइनस BDR ओल्ड, टू बैड डेट्स ओल्ड प्लस बैड डेट्स न्यू प्लस BDR न्यू माइनस BDR ओल्ड, जिसमें जो ओल्ड पार्ट है वो ट्रायल बैलेंस वाला होता था, ये वाला ओल्ड पार्ट, ये ट्रायल बैलेंस वाला है, करेक्ट, ये 11th स्टैंडर्ड में आपने सीखा है। अब बैड डेट्स ओल्ड हमें दे रखा है 1500 डेबिट वाला और BDR 2000 क्रेडिट वाला, तो हमने लिख दिया और बाकी हमने छोड़ दिया, जब आएगा तब देखेंगे, अभी हम ट्रायल बैलेंस वन इफेक्ट सेम साइड कर रहे हैं। डिस्काउंट्स, तो डेफिनेटली ये अलाउड है और ये रिसीव्ड है, ये इनकम है और ये सेलिंग एक्सपेंस है, राइट, तो बाय डिस्काउंट रिसीव्ड 1500 अदर इनकम्स में लिखा और डिस्काउंट अलाउड सेलिंग एक्सपेंस है तो वहां लिख दिया। नेक्स्ट, स्टैम्प्स ऑन हैंड एंड बैड डेट्स रिटर्न, नाउ बैड डेट्स रिटर्न इज बैड डेट्स रिकवरी एंड बैड डेट्स रिकवरी इज इनकम एंड स्टैम्प्स ऑन हैंड इज अवर एसेट, करंट एसेट, तो बैड डेट्स रिकवरी बैड डेट्स रिटर्न इज अवर इनकम, तो अदर इनकम्स में लिख दिया बाय बैड डेट्स रिटर्न 1250 और स्टैम्प्स ऑन हैंड, स्टैम्प्स ऑन हैंड है 150, वो हमारे करंट एसेट्स है, तो करंट एसेट्स में लिख लेंगे स्टैम्प्स ऑन हैंड। अब हमने ट्रायल बैलेंस एज वन इफेक्ट, अच्छा नाउ वी स्टिल वी हैव वन वन मोर, HDFC लोन 12% HDFC लोन 1716 को लिया है, इट्स अ नॉन करंट लायबिलिटी, लोन्स आर फॉर द लॉन्गर ड्यूरेशन, 12% HDFC लोन। अब इस पर एक सीक्रेट एडजस्टमेंट है, अब सीक्रेट एडजस्टमेंट क्या है कि 10,000 का 12% निकालो तो 1200 बैठता है, 9 months का इंटरेस्ट कैलकुलेट करो, 10,000 इंटू 12% इंटू 9 डिवाइडेड बाय 12, तो दैट टर्न्स टू 900 रुपीज। अब इंटरेस्ट ऑन लोन आउटस्टैंडिंग है 900 रुपीज, इंटरेस्ट ऑन लोन एक फाइनेंशियल एक्सपेंस है, तो इंटरेस्ट ऑन HDFC लोन 900, डेबिट इफेक्ट दूसरा आना चाहिए, क्रेडिट इफेक्ट करंट लायबिलिटी में आप लिखेंगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन 900। नाउ वी हैव कंप्लीटेड द ट्रायल बैलेंस, अब हम एडजस्टमेंट्स पे जाएंगे। एडजस्टमेंट्स
हैव टू फिक्स वन डेबिट वन क्रेडिट। क्लोजिंग स्टॉक 10,000 का है, 50% है नो मार्केट वैल्यू, मतलब 5,000 रुपये वैल्यू कम हो गई, तो क्लोजिंग स्टॉक अब 5,000 रुपये का है। तो क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट्स यूँ आते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड आता है बाय क्लोजिंग स्टॉक 5,000 क्रेडिट इफेक्ट, दूसरा आना चाहिए डेबिट इफेक्ट करंट एसेट्स में क्लोजिंग स्टॉक 5,000। नेक्स्ट ये न्यू लर्निंग है, लीगल चार्जेस इंक्लूडेड फॉर लीगल चार्जेस ऑफ बिल्डिंग परचेज 4,000। अब ये कैपिटल एक्सपेंस है, आपने लीगल चार्जेस में डाल दिए, एरर ऑफ प्रिंसिपल, 4,000 रुपये का आपने लीगल चार्ज दिया है बिल्डिंग खरीदने के लिए, तो ये बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड हो जाना चाहिए, कैपिटल एक्सपेंस है, आपने उसको लीगल चार्ज में डाल दिया है। तो सबसे पहले लीगल चार्ज में से हटाओ, तो लीगल चार्ज है 6,500, इसमें से हटाओ बिल्डिंग लीगल चार्ज। अब डेबिट में से आपने माइनस किया है तो उसको कहते हैं क्रेडिट इफेक्ट, दूसरा आना चाहिए डेबिट इफेक्ट, बिल्डिंग में ऐड कर दो, बिल्डिंग की वैल्यू में ऐड कर दो, प्लस कर दो लीगल चार्जेस 4,000 और 50,000 बिल्डिंग की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट 5% BDR ऑन डेटर्स, तो आपके पास डेटर्स पड़े हैं 31,000, BDR रखो माइनस BDR एट द रेट ऑफ 5% तो 1,550, और नेट बाहर लिख दिया 29,450। नाउ दिस इज BDR न्यू, BDR न्यू आपने फॉर्मेट बना रखा है, तो यहाँ ये जो BDR न्यू है यहाँ पर आप लिख लेंगे करेक्ट, बैड डेट्स न्यू नहीं है निल, और इसको वर्कआउट करेंगे तो 1,050 आ जाएगा। तो ये अपन ने दिया डेबिट इफेक्ट और वहां दिया था क्रेडिट इफेक्ट। नेक्स्ट प्रोवाइड 10% डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, अब ये मैंने बताया था इस सम की लर्निंग पॉइंट है, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर ट्रायल बैलेंस में है करेक्ट, और एडजस्टमेंट में भी है, तो अपन ने क्या किया था ट्रायल बैलेंस वाला ऐड कर दिया था, अब 10% निकालिए, 3,300 का 10%, तो दैट टर्न्स टू 330, आउटर कॉलम में 2,970, एसेट में से माइनस कर रहे हैं क्रेडिट इफेक्ट, एडजस्टमेंट के होते हैं दो इफेक्ट, ये आ गया क्रेडिट, दूसरा आना चाहिए डेबिट। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस अदर एक्सपेंसेस में, नॉट एडमिनिस्ट्रेशन, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 330, यहाँ पे दे दिया अपन ने डेबिट इफेक्ट। नेक्स्ट 5% डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, तो अब याद रहे लीगल चार्ज प्लस करने के बाद जो वैल्यू आती है उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा, 50,000 पे लगेगा 5%, डेप्रिसिएशन 5% 2,500 माइनस करेंगे 47,500 बाहर, दिस इज क्रेडिट इफेक्ट, अनदर शुड बी डेबिट इफेक्ट, कहाँ पर आएगा बिल्कुल सही अदर एक्सपेंसेस, अगर आपने ये सोचा है तो डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 2,500। नेक्स्ट 1/3 ऑफ द पेटेंट एंड ट्रेडमार्क इज टू बी रिटन ऑफ, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क लिखा हुआ है 2,700, 1/3 राइट ऑफ करना है, माइनस 2,700 डिवाइडेड बाई 3 करिए, 2,700 डिवाइडेड बाई 3 900, आउटर कॉलम में लिखें 1,800, एसेट में से माइनस किया क्रेडिट इफेक्ट, दूसरा आना चाहिए डेबिट इफेक्ट टू पेटेंट रिटन ऑफ 900। नाउ द सम गेट्स ओवर एंड क्रोनोलॉजी फॉलो करें, ट्रेडिंग अकाउंट बंद करें, गोज दैट साइड, डिफरेंस इज ग्रॉस प्रॉफिट व्हिच इज 41,150, इट इज ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बाय ग्रॉस प्रॉफिट 41,150, टोटल करेंगे 43,900 गोज दिस साइड, डिफरेंस इज नेट प्रॉफिट 30,270 एंड ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन। इसमें और कोई पॉइंट नहीं है, अगर आपके पास पीएल में जगह हो तो वहां लिख देना, कोई फर्क नहीं पड़ता, डिविजिबल प्रॉफिट सेम। नाउ व्हाट इज द पीएल रेशियो, नथिंग इज मेंशन्ड, प्रॉफिट लॉस रेशियो के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ है, इफ नथिंग इज मेंशन्ड पार्टनरशिप एक्ट 1932 से दे आर इक्वल पार्टनर्स, सो डिवाइड बाय टू गेट दिस वैल्यू राइट, दिस इज डेबिट इफेक्ट, अनदर शुड बी क्रेडिट, पार्टनर्स कैपिटल में डाल दिया, टोटल किया इधर गया डिफरेंस टू बैलेंस सीडी 45,135, द सेम थिंग टोटल किया इधर गया डिफरेंस 27,635, दिस यू विल ट्रांसफर इट टू बैलेंस शीट एंड योर बैलेंस शीट शुड टैली विद 1,11,170 ऑन बोथ साइड्स, विश यू गुड लक।